अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस। कैसे हो आप सब? और आप देख रहे हो टेक असर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, देखो मेरी स्किन अभी देखो किस टाइप की लग रही है। और पिक्चर्स में भी जब आप कोई भी पिक्चर क्लिक करते हो तो उसमें आपकी स्किन रियली दिखाई जाती है, जब तक आप कोई फिल्टर या उसमें स्मूथनेस ना लगाओ। लेकिन स्मूथ जो होता है आपके मोबाइल में ही फंक्शन होता है, जिससे आपको अगर DSLR से पिक्चर कैप्चर करते हो उसका आईएसओ जितना भी रख लो, भले जितना भी शटर स्पीड रख लो, लेकिन आपकी स्किन स्मूथ नहीं होती। ये ज़्यादातर वैसे जो DSLR के लिए कि आप अपनी स्किन को कैसे स्मूथ कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऐप है, एक ऐप की मदद से, वो पिक्सार्ट में आपकी स्किन पूरी रिटच होती है, पूरी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। उसके बाद हम लाइट रूम में पिक्चर को रिटच भी करेंगे। और एक बहुत ही एक अच्छा मेथड और सिंपल मेथड है, आप स्नैपसीड से भी वाला कर सकते हो। स्नैपसीड एक गूगल की एप्लीकेशन है, वो भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, उसका भी मैं इंशाल्लाह ट्यूटोरियल जल्दी ले आऊंगा। लेकिन ये वाला पिक्सार्ट का ट्यूटोरियल है, उसका भी खाली एक ही ऐप होता है, उसमें भी आप स्नैपसीड से कर सकते हो, उसमें आप पिक्सार्ट से कर सकते हो। ये दोनों ही बहुत ईजी चीज़ है, ईजी है बिल्कुल, दोनों ईजी ऐप है, जैसे कि आपको पता है जो आपको लेकिन सूट करे आप उस पर ईजिली कर लिया करो। मुझे ज़्यादा पिक्सार्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं उस पर कर लेता हूँ, लेकिन स्नैपसीड पर मैं कभी कभी कर लेता हूँ। तो यार आज की वीडियो में आपको बताने वाले स्किन को पूरा स्मूथ कैसे किया जाता है, वो भी बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह। बिल्कुल आप जैसे अभी पिक्चर देखे स्किन, आप मेरे खुद देख रहे हैं किस टाइप की लग रही है, स्मूथ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी वाली पिक्चर। मैं आपको पूरा उसका रिजल्ट दिखाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज की वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो अभी डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर, और सिंपली सबसे पहले आपने खोल लेना है पिक्सार्ट, क्योंकि पिक्सार्ट की सारी एडिटिंग होगी पिक्सार्ट में। मैं आपको रिटचिंग भी करके दिखाऊंगा, लेकिन वो रिटचिंग होगी लाइट रूम में, क्योंकि लाइट रूम में कलर ग्रेडिंग ज़्यादा अच्छी होती है और पिक्सार्ट में भी अच्छी हो जाती है। इसमें डॉजन बर्न आप अच्छा खासा कर सकते हो। तो सिंपली अपने से इस वाली फोटो को कर लिया सिलेक्ट, फिर मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस खोल लेता हूँ ताकि फोटो अच्छी लगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैंने इसको कर लिया रोटेट। उसके बाद सबसे पहले आपने खोल लेना ये वाला ब्यूटी वाला इफेक्ट, और सबसे पहले आपने चले जाना है यहाँ पर फेस पिक्स पर। तो यार देखिए कितने ज़्यादा निशान है फेस पर, लेकिन देखना है बिल्कुल के बिल्कुल, मतलब एक बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और ये बहुत ही एक अच्छा लुक देगी फोटो, बिल्कुल जैसे बहुत ही प्यारा, जैसे रियल में कोई था कुछ कोई निशान था ही नहीं। तो सिंपली आपने सबसे पहले फेस पिक्स में जाके एक ऑटो तरीका है करने का से, और इसका जो एक स्मूथ करने का भी तरीका, जैसे यहाँ से थोड़ा मुझसे ज़्यादा हो गया था तो मैंने इसको बैक कर दिया। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ पर निशान है आपने सिंपली वहाँ पर इसको फेर लेना है। और उसके बाद सिंपली आपने ये जो पूरा एक मतलब A to Z बहुत ज़्यादा एक अच्छी तरीके से करना है, ताकि एक बहुत ज़्यादा अच्छी और रियल लुक दे। देखें ये फोटो बहुत ज़्यादा अच्छी लग चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अब इसमें थोड़े बहुत निशान है, मैं उसको दोबारा से कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी लुक दे चुकी है फोटो, सिंपली मैंने डन पर क्लिक कर दिया। देखिए बिफोर आफ्टर आपके सामने है, सिंपली उसके बाद आपने चले जाना है स्मूथ में, और जितना स्मूथ करना है एक ऑटो तरीका है स्मूथ करने का पिक्चर को, आप स्नैपसीड में मैन्युअली भी कर सकते हो। स्नैपसीड में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देता है। पिक्सार्ट में भी होता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन ये पिक्सार्ट में बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से हो जाता है, और उसमें बहुत एक अच्छी लुक देता है अगर प्रॉपर तरीके से करो। मैं वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसलिए करके दिखा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी थी लेकिन मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे और वीडियो जल्दी खत्म हो जाए। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ एडजस्टमेंट्स में, थोड़ा सा डॉजन बर्न कर लेता हूँ ताकि फोटो रियल लगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा से ब्लर टाइप की लग रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत डॉजन बर्न अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपने कर देना है डन। देखिए हमारा डॉज हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद देखिए हल्का सा मैं इसमें जो है लाइट एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर दोबारा से चलता हूँ, और इसमें हम थोड़ा डालेंगे अब बर्न इफेक्ट डालने के बाद देखिए फिर से वही मैंने किया, लेकिन इस बार हम डार्क करेंगे। इन्वर्ट करने के बाद सिंपली साइज़ को बढ़ा के हार्डनेस को जीरो करके ओपेसिटी हल्की सी करके जहाँ जहाँ पर मुझे बर्न करना है मैं सिंपली वहाँ पर बर्न कर लेता हूँ। यहाँ पर काम हो चुका है, बर्न का काम भी हो चुका है। देखिए बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, और सिंपली आपने यहाँ से कर देना है डन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने चले जाना है यहाँ पर शेप मास्क में, क्योंकि साइडों में हमें इसके एक बहुत अच्छा कलर वाला लुक भी देना है ताकि देखिए पूरी ग्रीन लगे। देखिए मैंने इतना जो शेप मास्क को कर लिया, उसके बाद मैं इसका कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ग्रीन कलर कर लिया क्योंकि ग्रीन ही बैकग्राउंड है तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा लुक देगा। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर रेज पर चल लेता हूँ, इरेजर पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इतना मैं कर लेता हूँ, उसके बाद इरेजर पर जाने के बाद मैं इसको इन्वर्ट कर लेता हूँ, और जितना मुझे रिस्टोर करना है मैं उतना सिंपली रिस्टोर कर लेता हूँ। यहाँ से कर देना डन पर क्लिक। देखिए तो कितना ज़्यादा एक अच्छा लुक दे रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर से थोड़ा कॉर्नर से ज़्यादा हो गया था तो लेफ्ट वाले कॉर्नर से, तो सिंपली मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर दिया। रेजर पे जाके सिंपली देखें यहाँ पर आप जाएंगे, और जैसे ही रेज पर क्लिक करेंगे देखें यार फोटो में कितना अच्छा लुक दे रहा है, जैसे डोप लुक।
उसके बाद सिंपली मैं इस वाली पिक्चर को खोल लेता हूँ लाइटरूम के अंदर। लाइटरूम के बाद इसमें हल्का सा मैं एक्सपोजर को कर देता हूँ कम, और इसकी कंट्रास्ट को मैं हल्का सा देखे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, बढ़ा देता हूँ। उसके बाद इसके हाइलाइट्स को मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ, और शेडोज़ को मैं कर लेता हूँ हल्का सा कम। उसके बाद मैं वाइट्स में कम दूंगा और ब्लैक्स को थोड़ा ज़्यादा रखूंगा, ताकि फोटो में एक बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आए। और जो ग्रीन जो साइड में लग रहा है वो थोड़ा ग्रीन कम होकर थोड़ा सा ब्लैक और जैसे एक ग्रीनिश वाली जो एक अच्छी सी लुक दे। उसके बाद कर्व में जाने के बाद सिंपली आपने मेरे स्टेप्स को करना है फॉलो। बस कर में हमारा इतना ही काम था। उसके बाद सिंपली आपने कर लेना है यहाँ से डन, और बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो में कितना अच्छा और एक रियल लुक आ चुका है देखे। उसके बाद आपने सबसे पहले इसके टेम्परेचर को मैं हल्का सा देखे बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा जो है ना चेक कर लेता हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा करना है, बढ़ाना है या कम करना है। देखें कि आप फोटो में अपने हिसाब से क्या करें। देखें मैं हल्का सा बिल्कुल हल्का सा इसके टेम्परेचर को कम रखूँगा और टिंट को मैं हल्का सा बढ़ा दूँगा। वाइब्रेंस मैं अपने हिसाब से जैसे इसमें रख लेता हूँ, क्योंकि देखें आपकी फोटो कुछ अलग तरह की होगी, मेरी फोटो कुछ अलग तरह की होगी। आपने फुल मतलब मेरी सेटिंग्स से कॉपी नहीं करना, कुछ आपने अपनी तरफ से भी क्रिएटिव आइडिया अपने दिमाग में लाना है और इसको अच्छी तरीके से फोटो को रिटच करना है। उसके बाद देखिए कलर्स में जाने के बाद मैंने इसके रेड की ह्यू को कर दिया कम और ल्यूमिनस को बढ़ा दिया। उसके बाद देखिए मैं येलो की ह्यू को भी कर लेता हूँ कम, ब्लू की ह्यू को भी कर लेता हूँ कम, और यहाँ पे जो डार्क ब्लू है इसकी ह्यू को मैं हल्का सा देखे अपनी मर्जी से सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ कम, इसके ल्यूमिनस को बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से सिंपली कर लिया डन। उसके बाद आप क्लैरिटी इसकी बढ़ाएंगे तो क्लैरिटी बढ़ाने के बाद देखिए फोटो में कितना अच्छा लुक आ जाएगा। उसके बाद मैं इसके टेक्सचर को कर दूंगा कम, क्योंकि देखिए फेस पर इसके बहुत ज़्यादा जैसे निशान थे, तो जैसे आप टेक्सचर कम करेंगे तो बहुत और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। मैं विग्नेट इसलिए नहीं बढ़ाऊंगा इसलिए क्योंकि मैंने पहले से ग्रीन साइड में लुक दिए तो सारे लुक ख़राब हो जाएगी। उसके बाद शार्पनिंग बढ़ाने के बाद मैं नॉइज रिडक्शन और कलर नॉइज रिडक्शन बढ़ा लूँगा। उसके बाद सिंपली आपने सिलेक्टेड टूल में जाने के बाद जहाँ पर इसमें साइड पर बना लेने दो स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ जिससे, और आपने दोनों के एक्सपोजर को कर देने कम, तो देखिए फोटो में कितनी एक डोप लुक आ रही है। और सिंपली मैं यहाँ पर जाने के बाद देखें यहाँ पर मुझे जितनी लाइट चाहिए जैसे मैं थोड़ी लाइट कम कर लेता हूँ कि फोटो में बहुत ज़्यादा पहले से लग रही थी। उसके बाद देखिए मैं अपने हिसाब से इसको कर लेता हूँ सेट, देखिए ये इतनी तकरीबन सही है, थोड़ा सा मैंने कम कर लिया। देखिए फोटो के साथ बिल्कुल ये बैकग्राउंड मैच हो चुका है, देखिए बिफोर आफ्टर कितनी ज़्यादा फोटो एक अच्छी लग रही है। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर जाके हल्की सी इसकी ल्यूमिनस को बढ़ा दूंगा, देखिए बिफोर आफ्टर आपके सामने फोटो कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद सिंपली आपने शेयर वाले बटन पर क्लिक कर लेना है सेव टू डिवाइस, और आपके मोबाइल में फोटो सिंपली सेव हो जाएगी। तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक मस्त कर देना, कमेंट पर आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि किस टाइप की वीडियोस और लाऊं, और शेयर पे लाजमी कर लेना अपने दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो कर लेना, क्योंकि अगर आप कोई भी इसमें क्वेश्चन हो मेरे या फिर इंप्रूवमेंट करवानी हो मेरे कॉन्टेंट में तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका एज अर्ली एज पॉसिबल इसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो मेरे कॉन्टेंट वाइज, मैं इसका रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल उसका भी इंशाल्लाह रिप्लाई दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लेना। और यार अगर आपको मेरी वीडियो की क्वालिटी वगैरह अच्छी लगती है कमेंट पे मुझे बता दिया करो, और थंबनेल्स कैसी लगती है बता दिया करो। इंशाल्लाह मैं जल्दी थंबनेल्स की वीडियो ले आऊँगा कि मैं कैसे थंबनेल्स को एडिट करता हूँ, वीडियो में कैसे एडिट करता हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो जल्दी ले आऊँगा। तो भाई को दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।